अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी वर्कशॉप करेंगे, थोड़ा बहुत सैलेड का सामान लेना है और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अब नया जो मूव किया उसके बाद NHS वगैरह हमने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया, तो अभी मैं आज फॉर्म शॉर्म लेके आऊंगी। इसका आपकी हालत देखें। अच्छा, तो अभी वो भी मैं जाके फॉर्म वगैरह लेके आऊंगी। और आज पुत्री मैं आपकी बग्घी निकालूं। कितना ही अच्छा लगता है यहाँ से बंदा खड़ा होकर देखता रहे। ओह माय गॉड, सारी गाड़ियां गुजर रही हैं और यहाँ तो कुछ ग्रोसरी भी कर ले, घर के पास ही वेट्रोज़ है, थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता है, बट दैट्स ओके। यार बर्थडे आ रही है मेरे शोहर की। ओहो, अच्छा जी, हम ग्रोसरी वगैरह भी कर रहे थे और साथ में NHS के जो फॉर्म थे वो भी मैं उठा लाई थी और हम फिल वगैरह करके नेक्स्ट डे हमने सबमिट करा देने थे। तो बस मुझे रास्ते में सिस्टर की कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बट ग्रोसरी फ्रूट वगैरह वहाँ पे लगे हुए थे 244 pounds इस तरह करके, तो मैं फ्रूट भी काफ़ी ले आई और काफ़ी कुछ ले आई थी, जो जो चीज़ें ख़त्म थी बस। लेकिन इतनी मुश्किल से मैं वॉक करके आई, लाइक बग्घी भी भारी हो गई थी ऑब्वियसली, और बस चला चला के बहुत चढ़ाइयाँ भी थी और बस खैर आ गया सामान। खैर आप लोग बताएं कैसे आप लोग, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे 600 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कराया, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एंड टू ऑल द न्यू पीपल जो मेरे चैनल पे आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल, आई होप आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा। मेरा नाम रिदा है और मैं घर से रिलेटेड ही ज़्यादा कॉन्टेंट बनाती हूँ, कुछ हैपनिंग हो जाए लाइफ में तो व्लॉग्स वगैरह भी बना लेती हूँ। अच्छा, आजकल हम लोगों ने ना डाइटिंग शुरू की हुई है, मेरी तो अभी शुरू नहीं हुई ठीक तरह, बट मेरे हस्बैंड ने डेफिनेटली शुरू की हुई है। तो ना मैं आज चिकन पुलाव बना रही हूँ बट विद वेरी लेस ऑयल, लेट मी शो यू। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल ना होने के बराबर है इसके अंदर, मैंने बिल्कुल 6 tablespoons लिया है और लाइक लिटरली ये वाला tablespoon, तो आप लोग इमेजिन कर लेंगे कितना कम होगा। और क्या नाम है, बस ये पुलाव में बनाऊंगी, और वैसे मैं पुलाव में दही भी डालती होती हूँ बट मैं दही भी नहीं डालूंगी क्योंकि कैलोरीज जितनी कम करेंगे हम, वो कैलोरी डेफिसिट वाला काम कर रहे हैं ना उसके हिसाब से, तो मैं दही भी नहीं डालूंगी, टमाटर प्याज बस यही डाल के, तो यानी कि जो मेन कैलोरीज इसके अंदर होंगी वो सिर्फ राइस की होंगी और चिकन की होंगी। यस, लाइक ये बिल्कुल बस इतना है कि बस नीचे ना लगे, इतना सा ऑयल मैंने डाला इसके अंदर। अच्छा जी, फिर मैं आगे बिल्कुल व्लॉग करना भूल गई। दिस इज द नेक्स्ट डे और बस कपड़े वगैरह जो धोए हुए थे वो मैं समेट रही थी, और सीरियसली यार ये घर के अंदर सुखाना इतना बड़ा मिशन होता है ना, एक एक कपड़ा चेक करना पड़ता है, लाइक आप सोचें 2 दिन से लटके हुए थे हम, तो बस कहते हैं सनी डे हो और किसी तरह बस बाहर डाल लें, तो सनी डे ना हो बाहर भी नहीं डाल सकते, बस फिर अंदर ऐसे ही रुलते हैं कपड़े। और बस जी एक टाइम पे हुए काम पूरा हो, बच्चे के साथ ऐसा हो नहीं सकता, सरदार को जी लग गई भूख, कहते दूध मुझे दो। खैर इसका मैं आजकल बीकर की भी कोशिश करा रही हूँ, थोड़ा ना कप में पीना शुरू करे, बॉटल से जान छूटे, बट वही बहुत मुश्किल काम है ये भी। बस दूध वगैरह इसको मैं दे रही थी और फिर वापस मैं कपड़ों पर आ गई जो मैंने रखने थे। और ये कोई वकास खालिद नूडल्स लेके आए हुए थे तो मैंने देखा ये बिल्कुल हलाल ही नहीं थी, आई हैड टू थ्रो देम, लाइक इनके ऊपर कोई वेजिटेरियन भी नहीं लिखा हुआ था ना हलाल था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। बाकी फिर ये जो मैं खुद से लेके आई हुई थी मैंने वही अपने लिए बना ली, क्योंकि खाना बनाने से पहले आई थॉट कि मैं खुद कुछ नूडल्स खा लूँ। अच्छा जी, फिर से मैं आज मैं बना रही थी काले चने और फिर से बिल्कुल थोड़े से ऑयल के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे शोहर साहब डाइटिंग कर रहे हैं तो मैं उनका थोड़ा थोड़ा उनके सामने बस साथ दे देती हूँ, मेरी अभी ना हिम्मत नहीं पड़ी, बट वो फुल मोटिवेटेड है भाई, उनकी डाइटिंग चल रही है। खैर मैं एक बात सोच रही थी, यहाँ पे आप जब भी किसी से मिलते हो तो आपसे हर कोई ये जरूर पूछता है अच्छा जॉब का क्या प्लान है, लाइक आगे जॉब करनी है, तो मुझे समझ नहीं आता हम लोग फिर जॉबलेस हैं, लाइक जो हम माएँ हैं घर का काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, तो फिर हम लोग जॉबलेस होती हैं क्या? लाइक ये चेक करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सारे काम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, खाना बनाएंगे ना बच्चे संभालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या शोहर साहब जो हैं वो कमा सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली उनको फिर चाइल्ड केयर के लिए बच्चा रखना पड़ेगा, उनको कुक रखना पड़ेगा, उनको हर काम के लिए अलग अलग बंदा चाहिए होगा, तो इट मीन्स कि हम जॉबलेस नहीं हैं।
और ये सारे काम कोई कर भी देगा तो फिर तरबियत कौन करेगा। बट मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, बट पहले आप लोग खुद थोड़ा स्टेबल होए, जब आप लोगों को लगे कि सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं फिर ही इस तरफ जाया जाए। खैर जी, ज्यादा सीरियस बातें मैं नहीं करूंगी, बट बस ये मसाला तैयार हो गया था। एक्चुअल मैं काले चने बना रही थी, ठीक है, तो मसाले में थोड़ा सा और पानी डाल के, क्योंकि ऑयल बहुत कम था, नीचे लगने का बहुत खतरा होता है भाई, तो थोड़ा पानी डाल के मैं इसको ढक के चली गई थी। और मैंने जो कपड़े वगैरह समेटे थे उनको अलमारी में रखने चली गई, सलार जो है, ऐसा हो सकता है कि मेरी हेल्प के लिए ना आए, वो भी बस मेरे साथ साथ थे, हेल्प ही करा रहे थे, बस समझ लेना कैसी हेल्प। अच्छा जी, बस फिर कपड़े वगैरह समेट के मैं दोबारा से किचन में आ गई, मसाला तैयार था, तो मैंने काले चने जो थे वो डीफ्रोस्ट होने के लिए रखे हुए थे, बस उसके अंदर काले चने डाले, उसको भूना, सब कुछ कर कर आके सालन को तैयार कर दिया। फिर बारी थी जी आटा गूंदने की। आटा जो है हमने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, तो बस आटा वगैरह निकाला और आटा गूंदा। जो आटा गूंदने वाला काम है ना, ये मुझे जरा नहीं पसंद, और शुक्र है हम दो बंदे होते हैं तो इतना गूंदना नहीं पड़ता। और बस ये है कि मैं तो डायरेक्ट नलके से पानी लेती हूँ, डायरेक्ट बस क्विक सा। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को पसंद है आटा गूंदना। और बाकी जी सनी डे आया तो इसका क्या मतलब है, कपड़े धो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज डे टू ऑफ दिस व्लॉग, और मैं सलार को पार्क में लेके जा रही हूँ, जो कि बहुत मुश्किल डिसीजन लगता है घर से निकलना, बट जब आप घर से निकलो तो इतना अच्छा लगता है, लाइक जो बंदा कहता है क्यों नहीं मैं निकल रहा था। सो नाइस वेदर, और काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आज सनी डे हुआ है। पहले बारिश चल रही थी फॉर अ वीक, अब जो है सनी डे स्टार्ट हुआ है। सो वो या एंड मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी आ रही है, तो उनके लिए मैंने कुछ प्लान किया हुआ है जो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। वो यही शौक रहा हुआ था कि मुझे नहीं पता उनकी बर्थडे है, बट आज उन्होंने मुझसे खुद पूछा, लाइक मुझे खुद कह रहे कि उन्हें मेरी बर्थडे आ रही है। सो आई वाज लाइक ओके, तो ये सीन है। बट हमने एक एक्टिविटी मैंने बुक कराई हुई है, लाइक लेट्स सी हाउ दैट गोज, लाइक फुल डे कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट होगी है, और मेरे पास शामी कबाब कुछ बने हुए पड़े हुए थे, तो वो ही बस हमने सैंडविच बना लिया एक सलार के लिए, एक स्लाइस के साथ कबाब उसने खा लिया और मैंने खा लिया। शुक्र है सलार कबाब शौक से खा लेता है। अस्सलाम वालेकुम, हम वॉक पे जा रहे हैं, बट कल जो है मेरे शोहर साहब की बर्थडे है, सो मैंने जो है वो बुकिंग कराई हुई है एक बबल प्लैनेट, यहाँ पे बड़ा आजकल हाइप उसकी हुई भी है, सो आई डोंट नो कैसा होगा, बट कल मैंने बुकिंग कराई हुई है लाइक आई थिंक 12:30 की। तो अब मुझे किसी तरह से ना अब सलार को मैंने छोड़ के जाना है मरियम के पास, और हम दोनों ने अकेले जाना है, तो अभी मैंने वकास को नहीं बताया। खैर जी, आप आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इन पाकिस्तानी मैंगो के साथ इस ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में देखूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने ब्लॉग देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ओके okay?